सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा में आज का हमारा विषय काफी संजीदा है। ना आज हम वैक्सीनेशन पर बात कर रहे हैं, ना हम कोरोना पर बात कर रहे हैं, ना ही किसी अन्य मुद्दे पर। हम बात करने जा रहे हैं उस विषय के संदर्भ में जो पिछले 2 साल से इस देश में समय समय पर चर्चाओं का केंद्र बिंदु रहता है। हम बात करने जा रहे हैं इस देश का मुकुटमणि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर एक बार फिर सुर्खियों में, और सुर्खियों में लाए जाने की वजह यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 2 साल के अंतराल के बाद विधिवत जम्मू कश्मीर के मसले पर तमाम राजनेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं। बैठक 24 जून को प्रस्तावित है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र के 14 राजनीतिज्ञों को इस बैठक के लिए आमंत्रण भेजा गया है। 8 राजनीतिक दलों से प्रतिनिधित्व करने वाले इन राजनेताओं में 4 पूर्व मुख्यमंत्री और 4 पूर्व उप मुख्यमंत्री शामिल हैं। स्मरण रहे कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी 1951 से एक मुहिम चला रही थी, धारा 370 की समाप्ति के संदर्भ में, साथ ही 35A की समाप्ति के संदर्भ में। 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी की वो बहुप्रतीक्षित मुराद पूरी हुई जब संसद में मोदी सरकार के द्वारा इस संदर्भ में बाकायदा एक विधेयक पारित कराया गया। उसके बाद से जम्मू कश्मीर के हिस्से में विभाजन हुआ, लद्दाख एक अलग क्षेत्र के रूप में और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। तब से वहां के राजनीतिक दलों को शिकायत है कि इतने बड़े फैसले में उनकी भागीदारी नहीं रही। भाजपा को छोड़ कमोबेश हर राजनीतिक दल ने इस शिकायत को समय समय पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दर्ज भी कराया। तमाम राजनीतिक दलों के जुड़े हुए महत्वपूर्ण नेता इस दौरान या तो नजरबंद रहे या जेलों में बंद किए गए। लेकिन बदलते वक्त के साथ में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने महसूस किया है कि अब समय आ गया है जब जम्मू कश्मीर में एक बार फिर राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू किया जाए, और इसी के तहत इसकी पहल स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जा रही है। पर यह पहल क्या वाकई सार्थक होगी? क्या इस पहल के संदर्भ में वो तमाम राजनीतिक दल उसी संजीदगी का परिचय देंगे जितनी संजीदगी के साथ ये बैठक बुलाई जा रही है? महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी इस संदर्भ में एक बैठक कर चुकी है जिसमें अधिकांश लोग इस बैठक में शामिल न होने के पक्षधर थे, पर अंतिम फैसला महबूबा मुफ्ती पर छोड़ा गया है। गुपकार गठबंधन जो तमाम राजनीतिक दलों से बना हुआ है उसे भी इस संदर्भ में अपना फैसला लेना है। फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया कि वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि 2 साल में क्या कुछ जम्मू कश्मीर में बदला है। समय समय पर उसे वापस पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की जो मांग की जा रही है, क्या ऐसी कोई संभावना इस बैठक में दिख सकती है? इस बैठक के मायने, इस बैठक के साथ जुड़ी हुई संभावनाएं और इस बैठक के साथ जुड़ी हुई आशंकाएं, इस पर हम बात करेंगे। 4 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस संजीदा मसले पर एक गंभीर विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र प्रयासों को समर्पित यह कहता है कि कोशिश करो और असफल भी हो जाओ, लेकिन कोशिश करने में असफल नहीं होना है। स्टीफन कगवा ने यह विचार सूत्र हमें दिया था। तो क्या वर्तमान में केंद्र में बैठी हुई सरकार इसी सिद्धांत का पालन कर रही है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालात बदलने के लिए? स्मरण रहे कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में एक शांतिपूर्ण राज्य की स्थापना हमेशा से भारत के लोगों की मंशा रही, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी यह मंशा कभी सिरे पर नहीं चढ़ पाई। आतंकी गतिविधियां वक्त के साथ साथ कश्मीर की पहचान हो गई, पर धारा 370 के संशोधन और 35A की समाप्ति के बाद केंद्र में मौजूद भारत सरकार का यह दावा है कि आतंकी घटनाओं में बड़े स्तर पर कमी आई है। तकरीबन 61% कमी का दावा फरवरी में भारत सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए किया था। इसकी रोशनी में अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में शेख नासिर हुसैन जी भी हैं जो राज्य सचिव हैं पीडीपी के, और साथ ही अश्विनी कुमार जी भी हमारे साथ हैं जो जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं और जम्मू कश्मीर के मसलों पर अपनी स्पष्ट टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा जी भी होंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत शेख नासिर हुसैन जी से करते हैं। शेख साहब, आपसे ही समझना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये पहल की गई है, भारत सरकार के द्वारा जो ये पहल की गई है, जो ये आमंत्रण भेजा गया है, किस नजरिए से देखते हैं इन कोशिशों को? कोई संजीदगी भरा या प्रयास है या कुल मिला के शगुफेबाजी है, किस नजरिए से देख रही है पीडीपी से? देखिए, प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो न्योता मिला है 24 तारीख को जो बैठक होने जा रही है, प्रधानमंत्री जी
ये समय क्यों चुना गया, क्यों बैठक बुलाई गई है, इस बैठक का मुद्दा क्या है, प्रधानमंत्री जी किन विषयों पर बात करना चाहते हैं, ये उन्हें क्लियर नहीं किया है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से किन मुद्दों पर बात होगी, ऐसा भी नहीं कहा गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये बैठक इस तरह से लोगों को बुला करके उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के 5 अगस्त से पहले अगर ये बैठक बुलाई गई होती, 5 अगस्त से पहले अगर इन सभी जो भी राजनेता हैं, जो भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हें बुला करके अगर सहमति से जो फैसला लिया गया होता, उन्हें कॉन्फिडेंस लिया गया होता, तो आज परिस्थिति डिफरेंट होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर है, उन्होंने बगैर किसी को कॉन्फिडेंस लिए हुए, बगैर कोई चर्चा, बगैर किसी बैठक के एक बहुत बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के हवाले से किया और 370 और 37 को खत्म कर दिया। ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में विकास होगा, जम्मू कश्मीर में बदलाव होगा, जम्मू कश्मीर में पीस होगा। जम्मू कश्मीर में उसके बाद क्या हुआ है, कितने हालात बदले हैं, ये हर कोई जानता है। आज जो जम्मू कश्मीर के हवाले से जो मीटिंग बुलाई गई है, मैं आपको सीधी सी बात बताऊंगा, बड़े साफ शब्दों में बताऊंगा कि दिल्ली ने आज तक जो जम्मू कश्मीर के साथ किया, अब जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल्ली पर वो विश्वास नहीं रहा है जो विश्वास पहले हुआ करता था। क्योंकि 4 अगस्त की शाम तक ये कहा जाने लगा कि जम्मू कश्मीर में चूंकि अमरनाथ यात्रा जारी है और उसके लिए हमें सिक्योरिटी इंतजाम सख्त करने, इसलिए डिप्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है। राज्यपाल जी भी प्रेस वार्ता में कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी थोड़ा सा मुझे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कुछ और अन्वेषण पकड़े गए इसलिए हम सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। और 5 अगस्त की सुबह जब हम लोग अभी बिस्तरों में ही थे, हमारे घरों के बाहर फौज लग जाती, पुलिस लग जाती, हमें घरों में नजरबंद किया जाता और एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाता। तो जो पास्ट में हुआ है उसको देखते हुए हमें कोई विश्वास नहीं है, वो जो ट्रस्ट एक था वो ट्रस्ट खत्म हो चुका है। इसलिए आज की तारीख में, आज की डेट में हम ये कह नहीं सकते कि प्रधानमंत्री जी ने जो बैठक बुलाई है क्या वाकई में किसी बड़े अच्छे विचार से, विचारधारा से बुलाई है, या यूं ही इंटरनेशनल लेवल पर एक मैसेज देने के लिए, या जम्मू कश्मीर को किस लोगों को किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व करने के लिए बैठक बुलाई गई है। बहरहाल आने वाले वक्त में ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि क्या वाकई में गुड इंटेंशन से ये बैठक बुलाई जा रही है, या सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व रखने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पर एक मैसेज देने के लिए कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को साथ लेकर के सारी बातें, सारी चर्चा करते हैं। मैं डॉक्टर ताहिर चौधरी जी के पास जाऊँ, उससे पहले नासिर साहब आपसे समझना चाहता हूँ, पहले आपको इस बात की शिकायत रही कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में इतना बड़ा फैसला बगैर वहां के राजनीतिज्ञों से, वहां के लोगों से बातचीत के बगैर किया गया, और अब जब देश के प्रधानमंत्री के द्वारा आपको आमंत्रित किया गया है तो आपकी पार्टी इस पर विचार कर रही है कि जाएं कि ना जाएं। आपसे जानना चाहिए कि क्या वाकई आप अपने आप को इस देश का हिस्सा नहीं मानते? इस देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ शख्स एक बैठक के लिए आमंत्रण भेज रहा है और उस पर यह विचार किया जाना कि हम जाएं या ना जाएं, उस पद की, उस व्यवस्था की, उस संविधान की तौहीन नहीं है? जानने में दिलचस्पी आपसे, क्या आशंका है आपको जिसके कारण आपको इतना सोचना पड़ रहा है कि बैठक में जाया जाए या ना जाया जाए? इसमें कोई भी दोहराई नहीं है कि हम इस देश का हिस्सा है, हम इस देश का हिस्सा है और हमें बड़ा गर्व है कि हम इस देश का हिस्सा है जी। लेकिन बात यह समझने वाली है कि इसी देश ने, इसी सरकार ने, इसी प्रधानमंत्री जी ने जी, इसी राज्य के 3-3 मुख्यमंत्रियों को जेल में बंद कर रखा। आप मुझे बताइए, फारूक अब्दुल्ला साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब को, महबूबा मुफ्ती साहिबा को जो जेल में बंद कर दिया गया था, उनका अपराध, उन्हें अपराध क्या किया था जी? या जितने भी राजनीतिक दल थे, जितने भी सीनियर लीडर्स थे, वो लोग जो यहाँ आइडिया इंडिया को प्रमोट करते थे, जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जिनकी विचारधारा आपको मालूम है किस प्रकार की है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो आइडिया इंडिया को लोग, जो लोग प्रमोट करते थे, जम्मू कश्मीर के अंदर जो तिरंगा शान से उठाते थे, जम्मू कश्मीर के अंदर जो तिरंगा शान से लहराते थे, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह करके जो लोग यहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, जो आइडिया इंडिया को प्रमोट करते थे, उन लोगों को जब आप जेल में नजरबंद करते हैं तो कहीं ना कहीं विश्वास कम हो चुका है, कहीं ना कहीं अब वो दोबारा उस ट्रस्ट को बिल्ड करने में समय तो जरूर लगेगा। इसलिए अब जो बैठक बुलाई जा रही, अब हमें समझने और सोचने के लिए थोड़ा सा समय तो जरूर लगेगा कि क्या ये बैठक प्रधानमंत्री जी ने वाकई में किसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ बुलाई है, या यूं ही जो जख्म लगे उन पर मरहम लगाने के लिए बैठक बुलाई गई। इसलिए समय लिया जा रहा है, बाकी इसमें कोई दोराई नहीं है कि हम इस देश का हिस्सा नहीं, हम इस देश का हिस्सा है और हमें इस पर गर्व है, हमें इस पर गर्व है। मैं एक सवाल और लेता हूं, उसके बाद ताहिर जी के पास चलता हूं। 4 पूर्व मुख्यमंत्री इस समय प्रदेश में सक्रिय थे, उमर अब्दुल्ला साहब थे, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, महबूबा मुफ्ती थी और गुलाम नबी आजाद थे। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को नजरबंद किया गया,
लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब के संदर्भ में ऐसी जरूरत महसूस नहीं की गई, क्या इस पर कोई दृष्टि है नासिर साहब आपकी? क्या जो तौर तरीकों में अंतर है गुलाम नबी आजाद की राजनीति करने के संदर्भ में और आप लोगों की राजनीति करने के संदर्भ में? कोई गुलाम नबी आजाद के संदर्भ में भारत सरकार को ऐसी कोई आशंका महसूस नहीं की कि माहौल खराब होगा या किया जाएगा, पर इन तीन के संदर्भ में आशंका रही, डर रहा, संदेह रहा, कुछ दृष्टि देंगे इस संदर्भ में आप? देखिए इसमें तो साफ साफ सामने नजर आ रहा है कि जो चार प्रधानमंत्री के बात पे इनमें अंतर जरूर है। अंतर यह है कि ये मुख्यमंत्री थे उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब या महबूबा मुफ्ती साहिबा, ये तीनों यहाँ की क्षेत्रीय राजनीतिक दल के जो लीडर्स है, यहाँ की रीजनल पोलिटिकल पार्टीज के लीडर है, और इनका जितना भी जो हमारा सेंटर जो हमारा फोकस रहता है वो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर रहता है। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस जम्मू कश्मीर को नहीं बल्कि पूरे देश को लेकर के कांग्रेस सोचती है, कांग्रेस की विचारधारा उस हिसाब की है। और आप साफ देख रहे हैं कि जब कुछ दिन कबल दिग्विजय सिंह साहब का एक जो चैट वायरल हुआ था, उसके बाद कांग्रेस ने एकदम से अपना स्टेटमेंट देकर के कहा कि हमें इसके साथ कोई भी सरकार नहीं। आज अपने जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जब उनका भी एक ट्वीट सामने आया, तो जाहिर सी बात है आप क्षेत्र राजनीतिक दल और जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस है उनके बीच में इतना अंतर तो जरूर है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका जिनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जिनका ज्यूरिडिक्शन, जिनका जो भी कुछ है वो जम्मू कश्मीर ही है, तो जाहिर सी बात है ये फैसला उन तक था। आजाद साहब एक नेशनल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी पार्टी की अध्यक्षता कोई और है, उनके पार्टी के प्रोग्राम और पॉलिसीज डिफरेंट है, उनकी उनकी उनका जो मैनिफेस्टो है वो डिफरेंट है, तो शायद ये भी अंतर रहा होगा कि उन्हें उस हालांकि उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के सेंटीमेंट लोगों के सेंटीमेंट्स को रिप्रेजेंट किया था जी। लेकिन उन्हें नजरबंद क्यों नहीं किया गया, इसका बेहतर जवाब शायद कांग्रेस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जिन्होंने ये सारा जो 5 अगस्त वाला जो काम है तो उसको कांड ही कहूंगा जो किया था वो दे सकते। जहां तक हमारी बात है नासिर साहब, को लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियों के संदर्भ में व्यवहार अलग रहा, राष्ट्रीय पार्टियों के संदर्भ में शायद दृष्टि अलग रही। लेकिन मेरे साथ में रविंद्र शर्मा जी भी आ गए हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वागत है रविंद्र जी, हमारी चर्चा जारी है और मैं डॉक्टर ताहिर आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं क्या हो गया अचानक आप लोगों को, जिन लोगों को आपने क्रांतिकारी फैसले के समय पर खुले में घूमने लायक भी नहीं छोड़ा था या इस लायक नहीं समझा था कि इन्हें सड़कों पर जाने दिया जाए, उन लोगों को आज दावतनामा भिजवाया जा रहा है, बाकायदा आमंत्रण भेजा जा रहा है, संवाद स्वयं देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, क्या हो गया ऐसा जिसके कारण से लगा कि नहीं नहीं इन लोगों को नजरबंद करना ठीक नहीं, इनको जेल में रखना ठीक नहीं, बल्कि इनको अपनी मेज के साथ में बिठाया जाए, कुर्सियां ऑफर की जाए और संवाद किया जाए, क्या बदल गया है हालात के अंदर? ताहिर साहब थोड़ा दृष्टि देंगे, क्यों सरकार की नीति और नियत दोनों में इतना बड़ा बदलाव अचानक महसूस हुआ हम लोगों को? देखिए जहां तक प्रधानमंत्री साहब की सोच की बात आती है स्पेशली जम्मू कश्मीर को लेके जी, उनका हमेशा झुकाव जम्मू कश्मीर की तरफ रहा, हमेशा जम्मू कश्मीर को लेके बहुत पॉजिटिव रहते हैं और पूरे देश में जितना जम्मू कश्मीर के बारे में प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम सोचती है मुझे नहीं लगता कि किसी और राज्य के बारे में या किसी और यूनियन टेरिटरी के बारे में सोचते होंगे जी। देखिए जब इन लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था तब भी इन लोगों की नाराजगी थी जी रीजनल पार्टी, अब प्रधानमंत्री साहब की तरफ से इनको इनविटेशन दिया जा रहा है और आज भी ये नाराज हैं, आज भी इनके दिलों में ये चीजें हैं कि क्या होगा जी, क्या फैसले होंगे, क्या डिसीजन होगा, मीटिंग का आउटपुट क्या आएगा, ये लोग उस चीज को सोचते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री साहब की जो इन्विटेशन है बड़ी पॉजिटिव है जम्मू कश्मीर को लेके, सभी रीजनल पार्टीज के लीडर्स को जाना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए और अपना जो इनका एजेंडा है वो सामने रखना चाहिए जी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री साहब उस सोच के और उस दिल के मालिक हैं, जो भी जम्मू कश्मीर के हक के लिए डिसीजन लिया जाएगा, यहाँ के यूथ की बेहतरी के लिए लिया जाएगा, वो पॉजिटिव डिसीजन होगा और बेहतर होगा और जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम को मंजूर होगा। अगर रीजनल पार्टीज के कुछ लीडर्स को नहीं मंजूर होता है तो वो इनकी पार्टी का अपना एजेंडा है, अपनी सोच है, वो अलग चीज है। ताहिर साहब आपने जवाब नहीं दिया, सब कुछ आपने प्रधानमंत्री की प्रशस्ति में कह दिया हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री के संदर्भ में, पर आपसे जो बुनियादी सवाल था उसमें कोई दृष्टि कोई टिप्पणी नहीं मिली कि पहले जिन लोगों को जेल में डाला था, जिनको नजरबंद किया था, इतना बड़ा फैसला लिया था, तब आपने समझा नहीं, महत्व नहीं महसूस किया, जरूरत नहीं समझी कि उनसे कोई बातचीत भी की जाए, अचानक 2 साल बाद आमंत्रण जा रहा है, आइए बैठिए बात कीजिए, क्यों? जहन में सवाल है,
आप उस भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, सहज व्यक्ति के जहन में जो सवाल कौन रहा है क्यों, इसका उत्तर आपसे भी नहीं मिलेगा क्या? देखिए, जिस चीज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं और जो चीज आप मेरे से पूछना चाहते हैं, शायद उस टाइप का जवाब आपको ना मिल पाए, क्योंकि मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, जो उस टाइम पे जम्मू कश्मीर के हालात थे और जिस टाइम पे सेंट्रल हाईकमांड की तरफ से ये डिसीजन लिया गया, स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया, उस टाइम पे इस तरह के लोगों को, चाहे उसमें एनसी के लोग हों, चाहे पीडीपी के लोग हों, चाहे और दूसरे जो पॉलिटिकल लोग थे श्रीनगर के, चाहे हुर्रियत के लोग हों, ऐसे लोगों को हाउस अरेस्ट करना सरकार की तरफ से एक वो कोशिश थी कि श्रीनगर के अंदरूनी हालात अच्छे रखे जाएं, जी, जो हमेशा श्रीनगर में पत्थरबाजी होती है, जी, आम पब्लिक के जिनको सियासत से कुछ लेना देना नहीं है उनके बच्चे शहीद हो जाते हैं, उन लोगों को नुकसान होता है, माओ के बेटे चले जाते हैं, बहनों के सुहाग उजड़ जाते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से। वो चीजों को बचाने के लिए हमें कश्मीर के अवाम को बचाना था, उस अवाम को देखते हुए ये फैसले लिए गए थे। और अभी काफी टाइम हो चुका है, आज सरकार इस एंगल के ऊपर है, इस स्टेज के ऊपर है। मुझे लगता है ये शायद मीटिंग पहले भी हो सकती थी, लेकिन कोविड के हालात जो पूरे देश जिस महामारी से गुजर रहा है वो चीजें भी चल रही थी, और अब प्रधानमंत्री साहब ने अगर ये इन्विटेशन दिया है, बहुत सोच समझ के दिया है और जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए दिया है, और बहुत कुछ वो सोच रहे होंगे, मुझे लगता है वो चीजें आने वाले दिनों में सामने भी आएंगी। आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन डॉक्टर ताहिर चौधरी का कहना है कि ये जो नेता थे उस समय लग रहा था कि इन लोगों के कारण कहीं कश्मीर के हालात खराब ना हो जाएं, कश्मीर की जनता की चिंता थी सरकार को, इसलिए उनके साथ उस समय ऐसा व्यवहार किया। अब लगता है कि काफी समय गुजर गया, अब ये लोग ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे, तो अब इनको बुलाया गया है। रवि शर्मा जी मेरे साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले 2 साल में क्या कुछ जम्मू कश्मीर क्षेत्र के हालात बदल गए हैं, और अब अचानक देश की प्रधानमंत्री के द्वारा कश्मीर से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण नेताओं को आमंत्रित किया गया है, इस शुरुआत के संदर्भ में रविंद्र जी आपका नजरिया, और पिछले 2 साल के अंदर जम्मू कश्मीर कहां से कहां पहुंचा इसके संदर्भ में आपका नजरिया साझा करेंगे। जी रविंद्र जी, शायद आपका म्यूट का बटन दबा हुआ है, अगर आप उसे अनम्यूट कर लें। हेलो, अब जी रवि जी, मेरी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ हिमांशु द्विवेदी जी, मैं पहले तो आपको बधाई देता हूँ जी, आपने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो पूछा है जी, डॉक्टर ताहिर साहब के पास उसका जवाब हो नहीं सकता जी। ये बात हमको भी समझ नहीं आई कि जकाजक ये दिल कैसे बदला जी। आपका डिस्कशन में सुन रहा था, आप उनसे पूछ रहे थे जी कांग्रेस के प्रति रवैया या गुलाम नबी आजाद साहब के प्रति रवैया, तो इस तरह याद दिलाना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि गुलाम नबी आजाद साहब को सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर के जी और बिल्कुल एक गाइडेड प्रिंसिपल पे जो है वो अलो किया गया था। उससे पहले तमाम नेता एयरपोर्ट से वापस भगा दिए गए, वापस डिस्पैच कर दिए गए, इवन राहुल गांधी जी भी, और बाहर के विदेश के वो लोग जो है पार्लियामेंटेरियन, उनको गाइडेड टूर पे लाया गया। तो किसी के साथ जो है वो अलग रवैया नहीं रहा, हमारे भी तो तमाम लीडर नजरबंद रहे। यहाँ तक के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि जम्मू के कांग्रेस हेडक्वार्टर से, मैं 20 साल से पार्टी का मुख्य प्रवक्ता भी हूँ, मुझे फिजिकली लिफ्ट करके अरेस्ट किया गया कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाला था, बताने वाला था 16 अगस्त 17 अगस्त को, तो मुझे भी समझ नहीं आया। और वो लोग जो जम्मू में हमारे विचार से नहीं विचार रखते, उन्होंने स्वागत किया 370 को तोड़ने का जो मांग करते थे, उनको भी नहीं बोलने दिया, उनको भी जो है वो अरेस्ट किया गया, धक्के मारे गए और उनको नजरबंद कर दिया गया। ये तमाम तजर्बा लेबोरेटरी जो है, ये तजर्बे की जो लेबोरेटरी थी वो फेल हो गई, और उसके बाद अल्टीमेटली अब जो है वो वेस्ट बंगाल या उसके बाद चुनाव के नतीजों के बाद दिल बदल गया कि तमाम तरह के वो सख्त कार्रवाइयां करने के बाद, यहाँ ब्यूटी बनाने के बाद, और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन रखने के बाद, जम्मू कश्मीर में डीडीसी और बीडीसी के चुनाव कराने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका, और 280 में से 75 सीटें इनको मिली। कई पार्टियों का तोड़फोड़ किया गया, पीडीपी का बहुत वजूद खत्म किया गया, हमारे भी कई लोग गए, कई पार्टियां बनी, लेकिन कुल मिलाकर के उनके साथ ही मिल करके तो आंकड़ा वहां नहीं पहुंचता। अब कोई नई शुरुआत है, लेकिन हम जो चाहते थे, देश के अंदर जमहूरियत है,
डायलॉग बातचीत एक रास्ता है। आप किसी की बात को मानो या ना मानो मगर सुनो, यही हमारा सिद्धांत है। और अगर यही काम आप पहले भी करते, मजारिटी पार्लियामेंट में आती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी थी, आप बताते कि 377 जन बदलाव की क्या जरूरत है, तो मशवरा होता, ऑल पार्टी मीटिंग होती, कुछ लोग एग्री करते, कुछ डिसएग्री करते। जब सरकार बनानी थी, मेरे पीडीपी के भाई छोटे यहाँ बैठे हैं, किसी भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ मिलाई, जिनका दफा 370 को मजबूत करना और सेल्फ रूल तक जाने का एजेंडा था, और उस वक्त तो नजर नहीं आया सात पोल साउथ पोल। इसलिए दिल्ली कर कह रही है, भाजपा कर कह रही है, ये हमारी समझ से बाहर है। अगर आपका पॉलिटिकल एजेंडा था भी तो मुझे बताइए कि भाई उस पॉलिटिकल एजेंडे पे आप बात करते, अगर कुछ चीजें बेहतर होती तो हमने कभी नहीं रोका। इसलिए आज भी जो आप कह रहे हैं, फिर भी हम कहेंगे ये अच्छी शुरुआत है। और वही नेता जो कल तक दो दो साल तक जेलों में बंद रहे, हाउस अरेस्ट रहे, इस एज में भी जिनसे बहुत बड़ा खतरा था, वो रातों रात अब छूटे जा रहे हैं, उनको छोड़ा जा रहा है ताकि डायलॉग प्रोसेस में जो है वो नेता, उनके नेता जो है वो हिस्सा ले सके। ये आपका सवाल बहुत बेहतरीन है, ये हमको नहीं पता कि कल तक उनके पास उनके खिलाफ बड़े गंभीर आरोप थे, अगर वो बाहर निकल गए तो इतनी बड़ी फौज सिक्योरिटी फोर्सेज के बावजूद यहाँ पे पता नहीं क्या तबाही हो जाती, हम अगर बोल जाते हो सकता आग लग जाती। लेकिन आज जो है उनको छोड़ा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वहां ऑल पार्टी मीटिंग में लोग जाएं। तो ये लोग तो वो है, चाहे हमारे थे, इनकी विचारधारा या स्लोगन में कई चीजों का अंतर हो सकता है, लेकिन मेन स्ट्रीम पार्टी जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी रही, आतंकवाद के खिलाफ खड़ी रही, हम उनकी विचारधारा से चाहे सहमत नहीं, चुनाव में हिस्सा लेते रहे, हुर्रियत कांग्रेस और बाकी के काल के बायकॉट के खिलाफ वो खड़े रहे, उनके नेता भी गोलियों से मारे गए, हमारे नेता भी गोलियों से भुने गए, और मेन स्ट्रीम पार्टी के लीडर मारे गए, उनके परिवार के लोग मारे गए, यकाजक वो देश विरोधी भी हो गए, एंटी नेशनल भी हो गए, एंटी सोशल भी हो गए, यहां तक कांग्रेस पार्टी भी प्रो पाकिस्तान हो गई। अगर कोई बात आप करेंगे तो सीधा इल्जाम जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस तरह की बात करते हैं कि हमें लगता है कि इस देश में कोई डिसेंट की बात करना ही गुनाह हो गया। हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है देश के ऊपर कोई आंच जो है वो कभी हमने बर्दाश्त नहीं की। हम सरकार के साथ, फौज के साथ हर पैमाने पे खड़े हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के आंतरिक मामला पर जब बात करूं, आतंकवाद कम नहीं हुआ, 200 से 250 मिलिटर आज भी बताया जाता है, बाहर भी 200 से 250 मिलिटेंट स्नीक करने के लिए तैयार बैठा है, आप कितने मिलिटेंट मार लें। लेकिन 2014 में बताऊं आपको कि हाई लेवल जो डीजीपी और सिक्योरिटी और आर्मी के ऑफिसर्स जो है उनका सरकारी आंकड़ा और बयानात हैं कि 70 मिलिटेंट कुल हैं एक्टिव। आज पूछ लीजिए, आज वही ऑफिसर उसी पद पर बैठे कहते हैं 200 250 मिलिटेंट जो है आज भी है, तो क्या बदला आपने जो मुझसे क्या बदला? रवि जी, ये आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे थोड़ा बुनियादी मुद्दे पर आना चाहता हूँ कि आप स्वागत कर रहे हैं बातचीत का, चलिए शुरुआत तो है, क्या एजेंडा लेकर जाएंगे आप उस बैठक के अंदर कांग्रेस के अंदर? क्या चाहते हैं आप इस समय जम्मू कश्मीर में क्या होना चाहिए? क्या कांग्रेस यह मांग लेकर जाएगी कि धारा 370 के प्रावधानों को पुनः बहाल किया जाए? क्या कांग्रेस उस बैठक में शामिल होगी यह मांग लेकर कि 35A को वापस लागू किया जाए या इनको भुलाकर अब आगे बढ़ा जाए? क्या विचार लेकर कांग्रेस उस बैठक में मौजूद रहेगी? ये जहन में सवाल है, उतना ही महत्वपूर्ण सवाल जितना महत्वपूर्ण सवाल यह था कि आखिर यह बैठक अचानक प्रधानमंत्री जी ने बुलाई क्यों है, तो कांग्रेस क्या लेके जाने वाली है? सुनिए, बात यह है कि 2 साल में बदला क्या, आपने मुझे पूछा था, मैंने ब्रॉडली आपको बताया कि क्या बदला जी, और बदला सिर्फ ये है कि जो है ब्यूरोक्रेटिक निजाम में किसी को पूछा नहीं जाता जी, और अब अचानक अगर छोड़ा जा रहा है, आपने डेमोक्रेसी से लोगों को महरूम रखा, और अब सवाल यह है कि एजेंडा क्या जी? एजेंडा तो सरकार ने तय करना है जी, कि क्या बात करना चाहते हैं, किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। हमने 6 अगस्त 2019 को कहा कि स्टेट को तोड़ी जी, मुझे तायर साहब यहाँ बैठे हैं, अगर ये कह दें कि कभी बीजेपी की स्टेट यूनिट या किसी ने ये मांग की हो, हम तो छोड़ो कि भाई स्टेट को डिवाइड करो, यूटी बनाओ, डाउनग्रेड करो जी, ऐसा कहीं भी इतिहास में नहीं है, लेकिन स्टेट भी तोड़ी, आप उस स्टेट को तो रिस्टोर करते हैं। हमने कहा कि इसको फुल फ्लेज, हमने कई बार यहाँ धरने जरूर प्रदर्शन किए, स्टेट में क्या गुनाह किया, 1 करोड़ 40 लाख की पॉपुलेशन को आपने यूटी बना दिया जी, और जम्मू कश्मीर की मौजूदा जो पॉपुलेशन है लद्दाख को छोड़ करके वो 1 करोड़ 38 लाख के करीब है, और उसको आपने यूटी बना दिया। देश के अंदर पहली ऐतिहासिक रियासत है जो डोगरा स्टेट जिसको कहते थे,
और फिर उसके बाद आज दो साल से उसको कस्टोडिंग आप कर रहे हैं, बाकी राइट की बात तो अलग बात है, उस पर आप बात नहीं करना चाहते। तो हमें पता चले सिलेबस क्या है, पेपर तो हम लेंगे, आज भी हमारा मशवरा हुआ, कल भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, मैं आपको जानकारी दे दूं कि मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में 5 बजे हमारी एक हाई लेवल मीटिंग और होगी जम्मू के कश्मीर के लीडरों को उन्होंने कंसल्ट किया है। हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, डायलॉग में विश्वास करते हैं, पसंद हो या ना हो, हालांकि हमें स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन ओपोजिशन थी है, लेकिन हम उसमें फैसला करेंगे, पार्टिसिपेट करना नहीं करना हमारी ऐसी बात नहीं है, हम वेलकम करते हैं, लेकिन साथ में हम ये पूछते हैं कि इतना विलंब क्यों और वो देना क्या चाहते हैं, वो कहना क्या चाहते हैं। रवि शर्मा जी दो तीन महत्वपूर्ण बातें साझा कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक को इतनी ज्यादा संजीदगी से कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिया जा रहा है कि कल देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक बुलाई गई है एजेंडा तय करने के लिए कि आखिर प्रधानमंत्री के साथ बैठक में अगर जाएंगे जम्मू कश्मीर के नेता तो वहां बोलेंगे क्या, क्या मांग करेंगे, क्या चीजें रखेंगे। बाकी उनका सवाल है रविंद्र जी का कि आखिर इतने विलंब से संवाद क्यों। अब इसकी रोशनी में मैं अश्विनी कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं बतौर वरिष्ठ पत्रकार कि अचानक क्यों इस प्रश्न का उत्तर इतनी देर की चर्चा के बाद भी निकल नहीं पाया, डॉक्टर ताहिर भी हमें उसका उत्तर दे नहीं पाए। आपसे जानना यह है कि क्या भाजपा का या केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जितना एजेंडा था चीजों को अपने नियंत्रण में लेने का, अपनी कमांड में लेने का, वो सारी चीजें हो गई हैं, इसलिए अब केंद्र सरकार सोच रही है कि इधर राजनीतिक कार्यक्रम शुरू किए जाएं, एक राजनीतिक मुख्यधारा में प्रदेश को वापस लाया जाए। किस दृष्टि से देख रहे हैं आप इस कोशिश को, इस पहल को, इस शुरुआत को? जी हिमांशु जी की ये जो बातचीत शुरू हुई है जी जम्मू कश्मीर स्टेट को ब्रेक करने के बाद और दो साल के बाद ये बातचीत शुरू हुई है, ये सब लोग जानते हैं कि एक वेलकम स्टेप है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, और जिस तरह से पीडीपी के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता या अरविंद शर्मा जी बता रहे हैं जी कि एजेंडा कुछ नहीं है जी, तो आपको साफ जाहिर होना चाहिए कि जब एजेंडा ही कुछ नहीं है तो निकलने वाला क्या है जी। तो आप ये जो अटकलें जो चल रही हैं, जो चाहे सोशल मीडिया में है, अखबारों में है, टीवी में है, कुछ बड़ा होने वाला है जम्मू कश्मीर में जी, मेरे ख्याल से कुछ नहीं होने वाला है, एक नाटक है जी, और इस नाटक में सब लोग जाएंगे, और इस नाटक के दौरान मुझे खतरा लग रहा है कि गुपकार अलायंस कहीं ब्रेक ना हो जाए जी। और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती और बाकी लोगों ने जो डिमांड की है कि गुपकार अलायंस की तरफ से एक या दो लोग जाएं, और कंसेंसस ये बन रहा है कि डॉक्टर फारुकुल्ला जो चेयरमैन है जी वो जाएं, बट नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि जब सीपीएम को एक न्योता मिला हुआ है या पीपल कॉन्फ्रेंस को मिला हुआ है तो सबको मिला हुआ है, सब अलग अलग जाएं, ये गुपकार लाइंस को नहीं आया हुआ है जी। तो उस पर अभी तक ये पार्टियां अभी दो दिन रह गए हैं जी, और इनको 23 तक वहां पहुंचना है, और दो दिन में अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है जी। और जिस तरह से इसमें कोई भी एजेंडा नहीं है जी। एक बात तो सही बिल्कुल साफ है कि दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और एनडीए के लोग ने एक चीज तो साफ क्लियर कर दी है जी। कि 370 आर्टिकल और 35A जी को उनकी तरफ से उसको दफन कर दिया गया है, उस पर वो कोई बातचीत नहीं करेंगे जी। अब रही बात में स्टेट को स्टेटहुड देना चाहिए वापस, वो तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, प्रधानमंत्री इस पर अभी तो इनको कोई अश्योरेंस नहीं देंगे जी। बट जब 370 और 35A को तोड़ा गया था जी, अगर आपको याद होगा तो उस वक्त यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने उस वक्त एक स्पीच में ये बोला गया था जी, स्टेट को दोबारा दर्जा दिया जा सकता है जी। तो अभी ये लोगों को बुलाया जाएगा, अभी तो ये भी नहीं पता है कि कितने लोग जाएंगे, क्या महबूबा मुफ्ती जाएगी कि नहीं जाएंगी जी। जो हमें अंदर से खबर आ रही है कि महबूबा मुफ्ती इंटरेस्टेड नहीं है जाने में, वो चाहती है कि फारुकुल्ला जाएं वो वहां से जी, और वही रिप्रेजेंट करें, बट फारुकुल्ला को प्रेशर है
कि वो ना जाएं और अपने दोनों एमपीज को लेके जाएं और इसी तरह पीडीपी लेके जाएं। मुझे खतरा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ये गुपकार अलायंस को ब्रेक ना होना पड़ जाए और कुछ लोग निकल के अपने आप चले जाएं और बाद में महबूब मुफ्ती कहेगी तो मैं जी गुपकार अलायंस को नहीं मानती हूँ, मैं बाहर निकले हूँ, या फारूक अब्दुल्ला बोल देगा कि मुझे तो जाना है क्योंकि मैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बात करनी है, अगर हम बात नहीं करेंगे तो वन साइडेड जाएगा। अभी जो जल्दी जो होने वाली है वो सारे डिलिमिटेशन होगा और जो जितने भी सीट्स हैं असेंबली की 90 सीट्स बन रही हैं उनको कितने उसमें एक बातचीत चल रही है कि कश्मीरी पंडितों को उसमें रिजर्वेशन दी जाए 3 या सीटों पर, गुजर्स को चलूल ट्राइब का करीबन 8 सीटों पर बातचीत चल रही है, पहाड़ियों को बातचीत चल रही है। तो जो एक हेगमनी थी वहां कश्मीर की उसको ब्रेक किया जाएगा और वो उसके बाद जो है वो स्टेट को स्टेटहुड की बात को अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा और वही एक मुद्दा जो है मार्केट में जाएगा। और बाकी 370 और 35A पर केंद्र सरकार किसी भी पार्टी से ना तो बात करना चाहती है ना ये इशू बनाना चाहती है। अच्छा अश्विनी जी, मैं बीच में रोकता हूं आपको और आपसे जानना चाहता हूं कि अगर जिन नेताओं को आमंत्रित किया गया, 14 नेताओं को बुलाया गया है 8 राजनीतिक दलों के, अगर ये नेता इस बैठक में शामिल हो जाते हैं तो क्या ये अपने आप में स्वीकारोक्ति नहीं होगी कि केंद्र सरकार ने 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को संसद में धारा 370 और 33A के संदर्भ में जो फैसला लिया उसे इन नेताओं के द्वारा मान लिया गया क्योंकि उस सरकार के साथ एक टेबल पर बैठने के लिए तैयार हो गए। क्या केंद्र सरकार की एक बड़ी सफलता नहीं होगी अगर ये सारे लोग एक टेबल पर आ गए? क्या कहेंगे अश्विनी कुमार जी इस पर? जी हिमांशु जी, बिल्कुल साफ जाहिर है कि यही इसीलिए पार्टीज में डिफरेंसेस है जी। अभी 2 साल पहले जैसे अभी शेख नासिर जी बोल रहे थे, आज वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, उनके पास पूरा हक है। एक वक्त था कि महबूबा मुफ्ती जी मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर की बड़ी तारीफ कर रहे थे जी। और एक वक्त मुफ्ती साहब मैं पर्सनली जानता हूं उनको, सब लोगों को जी, वो भी मोदी साहब की बड़ी तारीफ कर रहे थे। आज वही लोग जो हैं वो खिलाफ बोल रहे हैं। तो राजनीति में इस तरह की चीजें चल रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे मुझे अंदर से बातचीत लग रही, कुछ लोगों से बातचीत हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देख लिया है कि 35A और 370 पर लड़ाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि केंद्र सरकार काफी स्ट्रांग है और सरकार जो है जो आदमी इस पर बात करने के लिए या लोगों को उकसाएगा भी तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो पहले उन्होंने बता दिया है, चाहे पीडीपी के नेता हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, 370 और 35 इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया है। केंद्र सरकार इस मंतव्य के साथ है। शेख नासर जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे थे जब अश्विनी जी टिप्पणी दे रहे थे, एक बार शेख नासर जी के हस्तक्षेप को सुनते हैं और फिर कुछ सवाल हैं शेख नासर जी से जुड़े हुए वो उनसे साझा करते हैं। जी शेख जी, आप अपनी बात कहें पहले। देखिए अश्विनी जी सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनका कहना था कि 2 साल कबल जब हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ थी तो हमारे जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफें करते थे। देखिए तारीफें करना और उसके बाद जब सच्चाई सामने आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं इसको इसका दूसरा पहलू ये देखूं कि जब धारा 370 को जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया गया तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर की जो सूरत है वो दो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने या दो खानदानों ने वहां तबाही की है, लोग इनके साथ नहीं है, उन दोनों पार्टी को सत्ता से दूर रखना ही मेरा एक लक्ष्य है। आज प्रधानमंत्री जी उन्हीं दो पार्टीज को आमंत्रण कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी उन्हीं दो पार्टीज को बुला करके बात करने के लिए दिल्ली बुला रहे हैं। अब रहा सवाल 370, शेख जी मैं बीच में रोकता हूं आपको आपकी इस टिप्पणी के लिए, वो उन्हीं दो पार्टी को बातचीत के लिए नहीं बुला रहे, उन दो पार्टियों को भी बातचीत के लिए बुला रहे हैं। 8 राजनीतिक दल हैं जिनको आमंत्रण है, 14 राजनेता हैं जिनको आमंत्रण है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि उन्हीं दो पार्टियों को बुला रहे हैं। अब आपकी बात, उनको तो बुला रहे हैं, अगर उनकी नजर में ये दोनों राजनीतिक दल जो क्षेत्र राजनीतिक दल है अगर उनकी नजर में जो आज तक वो कहते रहे हैं तो उन्हें छोड़ करके बाकी को बुलाना चाहेगा, ये कहीं ना कहीं ये बात दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी आज ये बात तस्लीम कर रहे हैं
कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये पॉलिटिकल पार्टी रिलेवेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों का मैंडेट इन्हें है और ये जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करने के अफर भी रखते हैं, इसलिए आज इन्हें बुला रहे। तो ये जो बदलाव रविंद्र शर्मा जी हमारे सीनियर है जो कह रहे थे जो बदलाव जो है इस बदलाव के पीछे कारण क्या, मैं बताता हूँ क्या कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से जो मरकजी सरकार ने एक एक्सपेरिमेंट किया था धारा 370 हटाने का, उनको लगता था कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव होगा, वो उसमें फेल हो गए। दूसरा ये था कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ इरेलीवेंट करना चाहते थे और एक नए संगठन यहाँ बनाने शुरू किए थे हमारी पॉलिटिकल पार्टी और बाकी पार्टीज को के लोगों को दबाव डाल करके उनको जो है ब्रेक करके एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई संगठन यहाँ खड़ा कर रहे थे, उसमें वो फेल हो गए। डीडीसी और बीडीसी या पंचायत के चुनाव में वो फेल हो गए। और उससे बड़ी बात जब अंतर्राष्ट्रीय सतह पर जो इंटरनेशनल लेवल पर जो इस आर्टिकल को इस तरीके से हटाने के लिए जिस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया गया, जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे मुल्क की के खिलाफ उंगलियां उठनी शुरू होगी कि जो डेमोक्रेसी का वहां पर कत्ल किया गया, कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री जी को और हमारे गृह मंत्री जी को इस बात का एहसास हुआ है कि जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया था वो शायद ठीक नहीं था। अब उन जख्मों पर मरहम लगाने के लिए आज बुलाया जा रहा है और ये भी बात साफ है कि बुलाया तो जा रहा है लेकिन टॉपिक क्या होगा, मुद्दा क्या होगा बातचीत करने का, इसीलिए आज यहाँ के जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है वो समय ले रहे हैं कि वो जाए या न जाए। अगर प्रधानमंत्री जी ने ये क्लियर कर दिया होता कि इन मुद्दों पर बात होगी तो यहाँ से भी डिसीजन एकदम से होता, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी कोई डिसीजन कोई भी ये बात के लिए स्पष्ट नहीं किया कि किन मुद्दों पर बात होगी। यही वजह है मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, भारत सरकार ने आमंत्रण दिया बातचीत के लिए, कोई एजेंडा नहीं दिया, इसको आप स्वागत योग्य नहीं मानते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि एक खुले मन से बातचीत के लिए मैदान मिल रहा है, कोई एक सीमित दायरे में बातचीत नहीं हो रही है? आपके नेताओं को आपके प्रतिनिधियों को मौका है अपने मन की बात देश के प्रधानमंत्री से साझा करने का, स्वागत करेंगे बिना एजेंडे के इस बातचीत के संदर्भ में या विरोध करेंगे इस संदर्भ में कि एजेंडा क्यों नहीं है? बातचीत हर मसले का हल है, डायलॉग हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। हमारी पॉलिटिकल पार्टी पीडीपी जो है उसका बेसिक मैनिफेस्टो यही है। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब कहते थे कि न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी, बोलते डायलॉग की हमेशा हमने वकालत की है। लेकिन अभी अश्विनी शर्मा जी कह रहे थे कि मरकज ने ये साफ कर दिया है कि जो भी पेंचेस है या 370 को लेकर के बात करने की कोशिश करेगा या लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेगा उसे जेल में डाला जाएगा। आप मुझे बताइए ये कौन सा लोकतंत्र है, कौन सी डेमोक्रेसी है? आप 370 जो है आर्टिकल 370 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल था, ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल नहीं था और ये हमें भारतीय सरकार ने दिया था, भारतीय आईन ने दिया था और सरदार पटेल ने हमको ये दिया था। तो क्या सरदार पटेल भी पाकिस्तानी थे जिन्हें आर्टिकल हमको दिया था? आज जो भी 370 की बात करता है आप उसे पाकिस्तानी कहते हैं, आप उसे इमरान खान की भाषा बोलने वाले कहते हैं। हम अपने देश से मांग रहे हैं, हमने किसी पड़ोसी देश से आर्टिकल वापस नहीं मांगा। हम अगर इसकी रेस्टोरेशन चाहते हम उसी आईन के तहत और उसी मुल्क से मांगते हैं, उसी प्रधानमंत्री से मांगते हैं जिसने हमें छीना, क्योंकि आपने अपना अरमान पूरा कर लिया, आपने ये हक हमसे छीन लिया, अब आपको लगा कुछ बदला नहीं है तो समय आ चुका है। आप दिल बड़ा रखिए, हमें ये आर्टिकल वापस दीजिए, हमें वो स्पेशल स्टेटस जिन स्पेशल स्टेटस जिन कंडीशन के साथ जम्मू कश्मीर का जो इलाक है वो हिंदुस्तान के साथ हुआ था। मेरा आपसे फिर एक बार सवाल है, आपकी बुरी बात सुनने के बाद आप मुफ्ती मोहम्मद सईद का हवाला दे रहे हैं जो बोली के हिमायती थे, बातचीत के हिमायती थे, डायलॉग के हिमायती थे, पर अब तक जो खबरें आपकी पार्टी की ओर से आ रही हैं वो तो इस डायलॉग के खिलाफ आ रही हैं, इस बातचीत के खिलाफ आ रही हैं, महबूबा मुफ्ती के शामिल होने के खिलाफ आ रही हैं। क्या शेख नासिर हुसैन इस कार्यक्रम में गारंटी देने की स्थिति में है कि हम बातचीत के पक्षधर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया है, हम उस बातचीत में शामिल होंगे? क्यों हिचकिचा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, क्यों आशंकित हो रहे हैं? क्या अश्विनी कुमार जी भारत सरकार के प्रवक्ता जिन्होंने कह दिया 370 में बात करोगे वो जेल में डाल दिए जाओगे, क्या जेल डालने का इतना भय, इतना डर, इतनी दहशत? भय किसी को नहीं है, भय उसको होता है जो जेल नहीं गया हो। हमारे तो बड़े बड़े नेता जेल में, आपको बता दूं कि जब धारा 370 जम्मू कश्मीर सतागी डेढ़ महीना मैं भी हिरासत में रहा, मैं भी नजरबंद रहा, हम उस चीज से डरते नहीं है। लेकिन जब आपके सामने जो शर्मा साहब कह रहे थे, जब आपके सामने सिलेबस ही नहीं है आप इम्तिहान देने क्या करने जाएंगे? तो ज्यादा मरकजी सरकार को प्रधानमंत्री जी को कम से कम सामने आना चाहिए, अपनी मन की बात आज बताने का समय है कि उनके मन में क्या है, किन बातों को लेकर हमें बुलाना चाहिए। हम तो डायलॉग के हमेशा वकालत की और हम हमेशा चाहते हैं कि डायलॉग ही हर मसले का हल है। हमने तो कहा कि अगर जम्मू कश्मीर का सही समाधान सही हल निकाला वो भी डायलॉग के जरिए निकाला जा सकता है, लेकिन इस तरह से
आप बुला करके जो अभी अश्विनी जी भी कह रहे थे कि ये सब कुछ नाटक हो रहा है, हमें भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद होने वाला कुछ भी नहीं है, होने वाला कुछ भी नहीं है, ये नाटक है। शेख नासिर साहब ये कह रहे हैं, मैं डॉक्टर ताहिर आपके पास में आता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसी परीक्षा जिसका सिलेबस भी आपने आउट नहीं किया है, शेख नासिर साहब को इतना डरा के क्यों रखा हुआ है आपने, जानने में दिलचस्पी है, क्यों नहीं एजेंडा दे रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी और सेंट्रल हाई कमांड, माननीय प्रधानमंत्री साहब ने अगर इनको इनवाइट किया है तो इन सभी लोगों को जाना चाहिए जी। पहली बात तो ये है जी, एक तरफ से ये लोग कहते हैं कि बात करने से बात बनेगी और एक तरफ जब इनको बुलाया जाता है तो इनके डबल स्टैंडर्ड्स इन लोगों के हमेशा रहते हैं जी। और मुझे लगता है कि रीजनल पार्टीज के सभी लोग जाएंगे, थोड़े दिन एक दो दिन की बात है, कल की दिन की बात है, परसों ये लोग जाएंगे वहां पे मीटिंग अटेंड करके आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे पीडीपी के स्पोक्सपर्सन बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं कि 370 और 35A का जो ये राग लाप रहे हैं, मुझे लगता है कि अब 370 को भी कश्मीर वैली की जो रीजनल पार्टीज के लोग याद कर रहे हैं भूल जाना चाहिए और 35A को भी भूल जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो टॉप हमारा एजेंडा था 370 और 35A उसको हमने अब खत्म कर दिया, वो वापिस नहीं आएगा। स्टेट की जहां तक बात है, वो हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी कहा था कि स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाएगा, वो भी जब बेहतर टाइम आएगा दिया जाएगा। सेंट्रल हाई कमांड उन चीजों को बार बार चेक करती रहती है, 24/7 जम्मू कश्मीर के बारे में सोचा जाता है, और जम्मू कश्मीर के हक के लिए अगर 24th को इनको बुलाया जा रहा है, बहुत कुछ सोचा होगा प्रधानमंत्री। डॉक्टर ताहिर मैं एक सवाल करता हूं आपसे, ये सवाल मेरा केंद्र सरकार से नहीं है, ये सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इकाई से नहीं है, ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रवक्ता सम्माननीय डॉक्टर ताहिर चौधरी से। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए तुरंत, इस मांग के समर्थन में डॉक्टर ताहिर, या उन्हें लगता है अभी हालात नहीं है, अभी केंद्र के दर्जे के साथ में ही संतुष्ट रहना चाहिए, क्या कहते हैं डॉक्टर ताहिर, बाकी लोगों के साथ या बाकी लोगों के खिलाफ? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको ये चीज बता दूं, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सेंट्रल हाई कमांड है बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करेगी, जब वो राइट टाइम आएगा स्टेट का दर्जा भी मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री साहब की। तो डॉक्टर ताहिर मेरा आपसे सवाल है कि राज्य में वो कौन से खराब हालात हैं, राज्य में 2 साल बाद भी आप क्या नहीं कर पाए जिसके कारण से लगता है कि अभी समय नहीं आया है इसे राज्य का दर्जा देने का, क्या खामी रह गई, क्या चूक रह गई, क्या गलतियां रह गई जिसके कारण से अभी जम्मू कश्मीर इस लायक नहीं लगता आपको कि वो समय आ गया है जब इसको राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए? थोड़ा दृष्टि दें हमें, थोड़ा ज्ञान मिले हम लोगों को कि आखिर राज्य कहां चूक रहा है, कहां खामी है, कहां गलती है। मेरी बात सुनिए हिमांशु जी, आपने एक सवाल में बहुत सारे सवाल आपने पूछ दिए, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, जम्मू कश्मीर आज की डेट में यूनियन टेरिटरी है, एलजी साहब इसको देख रहे हैं, और जब राज्य का दर्जा देना होगा जब राइट टाइम आएगा सेंट्रल हाईकमांड का फैसला आएगा और सभी लोगों को मंजूर होगा और हमें भी मंजूर होगा। ताहिर साहब आपने तो बड़े आसानी से कह दिया जब राइट टाइम आएगा, हमने तो केवल इतनी तो जानना चाहा कि राज्य में कमी क्या है, गलती क्या है, आपके स्तर पर चूक क्या हुई, 2 साल तो हो गए, क्या नहीं कर पाए जिस कारण से लगता है कि अभी भी ये राज्य इस लायक नहीं है कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, इस लायक नहीं है जम्मू कश्मीर, अभी इसको ये अधिकार नहीं दिया सकता कि ये पूर्ण राज्य के तौर पर पहचाना जाए, कहां चूक गए कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग और जम्मू की धरती कश्मीर की धरती, सवाल है। हिमांशु जी, कश्मीर के लोग हमारे लोग हैं, जम्मू के लोग हमारे अपने लोग हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, जम्मू कश्मीर में अभी तक जो सिस्टम चल रहा है, जो कुछ सेंट्रल हाईकमांड की तरफ से किया जा रहा है, बहुत सारी माइक्रो सर्जरीज जो है आहिस्ता आहिस्ता हो रही है और बहुत सारी आगे होनी है, बहुत सारी चीजें सुधारी जाएंगी, और जब हमें लगेगा कि जम्मू बहुत बेहतर हालात में जम्मू कश्मीर आ गया है, इसको राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा, उस टाइम का हमें इंतजार सबको करना पड़ेगा और वो टाइम इंशाल्लाह जल्दी आएगा। ताहिर जी उत्तर देने के स्थान पे समय पे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं रवि शर्मा जी के पास में लौटता हूँ, रवि जी आपसे जानना चाहता हूँ कहाँ कमी रह गई है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जिसके कारण से केंद्र ये महसूस करता है कि अभी सही समय नहीं आया इसे राज्य का दर्जा देने का, इसे केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में रखना ही ठीक है, आपकी दृष्टि, इतना अनुभव राजनीतिक जीवन का आपके पास इस क्षेत्र का है, आप ही दृष्टि दें जो शायद डॉक्टर ताहिर हमारे साथ साझा नहीं कर पा रहे। देखिए डॉक्टर ताहिर साहब साझा इसलिए नहीं कर पाए कि वो अप्रोप्रिएट टाइम का परिभाषा किसी को नहीं पता कि वो राइट टाइम क्या किसको कहेंगे जी, जब इनका दिल करेगा, इसलिए तो हम इल्जाम लगाते हैं कि ये मनमर्जी की सरकार जी। और
ये इनके रेमो कर्म पे है जी। एक ऐतिहासिक स्टेट जो पौने 200 साल जी एक रियासत रही, जिसका अपना एक इतिहास है जी। और जो 70 साल से बहुत खूबसूरत रियासत थी, आतंकवाद 1990 में शुरू हुआ मांशु जी, और पिछली चुनी हुई सरकारों में और चुनाव भी करवाए गए, आतंकवाद से लड़ा भी और आतंकवाद को हराया भी, क्योंकि इतने 70% 80% लोगों की शमूलियत जो है वो पाकिस्तान से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबको जवाब था जी। कि कश्मीर के लोग 80% भाग ले रहे हैं चुनाव में, चुनावी प्रक्रिया अपनी सरकारें बना रहे हैं, वो लोग बात करते थे वो अलग बात है, लेकिन बात यह है कि भाई सरकारें चुनते थे बनते थे, किसी के काल कोई नहीं सुनता था, पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया था। उनके आका जो यहाँ थे उन्होंने कई बार बयान दिया, अश्विनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके जो बड़े आका गलानी साहब कहते थे कि हमारी सुनता कोई नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, बाइकाट की कॉल करते लोग चुनाव में हिस्सा लेते हैं जी। लेकिन इन्होंने ऐसा कहा कि नहीं हम आएंगे तो फौज के हाथ खोल देंगे, ये कर लेंगे, फौज के ऊपर FIRA भी लगी, 10,500 पत्थरबाज जो है उनको कहा गया, जिनको पिछली सरकारों ने नहीं छोड़ा था उनके खिलाफ केस थे, वो केस विड्रॉ किए गए, ये अपने बच्चे हैं, हम भी कहते हैं अपने बच्चे हैं लेकिन बटे गए थे, और उसके बाद भी तमाम वो चीजें की गई जो कि पिछली सरकारों को ये कोसते रहे, सरेंडर पॉलिसियां इन्होंने बनाई, जो पिछली सरकार कहते थे ये मिलिटेंटों से मिले हैं, पाकिस्तान के साथ मिले हैं, और उसके बाद ये मैं कहने में गुरेज नहीं करूंगा कि 2 साल में आतंकवाद बड़ा है, आतंकवादी की संख्या बड़ी है, हमारे सेना के जवान वीर जवान शहीद हुए हैं, सदों पे 5,000 से ज्यादा बार 5,200 बार पिछले साल जो है वो फायर हुआ है, और अंदर की बात करें तो अगर 600 मिलिटेंट मरने के बाद भी 200 खड़े हैं जो 70 थे, तो हमें बताइए 2014 से 2021 तक, 2019 से 2021 तक बदला क्या जी। और फिर ताहिर साहब भी कह रहे हैं, नासिर साहब तो बता नहीं पाए कि भाई जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे, लेकिन ये इशारा कर रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर जाएंगे, और अश्विनी जी ने भी तो इशारा किया, फिर आर्म टेस्टिंग मेथड अगर इन्होंने सब अप्लाई कर लिए और वो तमाम कड़े कदम सख्त कदम उन जो लोगों के खिलाफ जो कहते हैं ये अलगाववादी हैं आतंकवादी तो हैं लेकिन तमाम मेन स्ट्रीम पार्टीज के खिलाफ, और फिर कुछ दिख रहा नहीं, इसलिए मैं तो समझता हूँ हम फिर भी कहेंगे कि अच्छी शुरुआत है, चाहे हताशा में हो किसी जगह हो, यूपी के चुनाव नजर में हो कोई और वजह हो, फिर भी हम ये कहेंगे राष्ट्रीय पार्टी है कि पहल ठीक है, हालांकि ये बहुत देर भी कर दी, पहल अच्छी है लेकिन बहुत देर से। रवि शर्मा जी एक और सवाल आपसे, फिर अश्विन जी के पास चलूंगा, ये अनुमान लगा रहे हैं राजनीतिक प्रेक्षक, अनुमान ही है कि शायद बहुप्रतीक्षित विधानसभा चुनाव कराने की दिशा में कोई कदम आगे बढ़े, नवंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन के तहत जम्मू कश्मीर क्षेत्र है, क्या पूर्ण राज्य का दर्जा बगैर विधानसभा चुनाव कराने की कोशिशों को कांग्रेस पार्टी स्वीकार करेगी या इन चुनावों के प्रति बेरुखी रखेगी, आपका नजरिया, विधानसभा चुनाव राज्य का दर्जा मिलने के बाद या केंद्र के अधीन रहते हुए अर्ध राज्य की स्थिति में ही करा लेना उचित? देखिए एक तो मैं ये बात कहूंगा कि आपने कहा कि सिलेबस नहीं है जी, तो ये भी नहीं कहा गया कि खुले दिल से बात करिए, अश्विनी जी के पास कोई जानकारी होगी जो कह रहे हैं कि 370 और 35 है की बात करेंगे तो मैं जेल नहीं जाना चाहता, ये बाकी जाना चाहते हैं अश्विनी जी, मेरे दोस्त हैं इनको पता है मुझे उठाया, इसलिए मगर मैं जो बात कहने का अधिकार रखता हूँ संविधान के तहत कहूंगा कि वो बात अलग है, लेकिन आप कहते हैं वो बात करना ही गुनाह है तो कौन से खुले दिल से बात होगी, या तो कहते सरकार कह दें कि खुले दिल से आइए बात करिए, हम कोई आपको अंदर नहीं डालेंगे, तो इसलिए फिर एक तरह से आप खुला दिल भी नहीं कहते, ये कहने को भी तैयार नहीं कि हम खुले दिल से, वहां कहेंगे ये पेपर है और इस पे जवाब दीजिए, जो आपने मुझे सवाल पूछ लिया जी, जैसे ही अब मैं इसका क्या जवाब दूं, मैं तो हाईकमान का अधीन हूं, लेकिन बात यह है कि हमारी मंशा तो ये है कि सरकार को फौरी तौर पर स्टेट देनी चाहिए, अब हम तो बाइकाट पार्टी नहीं रहे जी, लेकिन आगे क्या परिस्थितियां बनेंगी अगर हम ही लड़ने को रहे, आप कहते हैं 8 दलों को बुलाया गया, 8 में से 2 दल तो ठीक है कहते हैं वही है जो इनको अलगाववादी आतंकवादी पाकिस्तानी लगते थे, हम भी तो लगते हैं चलो हमें माफ कर देते हैं थोड़ा सा राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन बाकी दल तो अभी दो साल के अंदर ही बने हैं जी, और इसलिए मार्क्स वाय बीजेपी और एकाध पार्टी और छोड़ करके या कांग्रेस पार्टी 5 दल तो वही है जो आज कल पीडीपी में थे एमसी में थे या आज किसी दूसरे रूप में है या किसी और कभी गुपकार में थे, या सजाद लोन साहब जो उनकी पार्टी है जिनको ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, 2 विधायक है उनके, और बात जम्मू की करते थे, मुख्यमंत्री जम्मू ही करते थे,
जब मौका आया तो ये दो 26 के 26 एमएलए लेकर के दो एमएलए की पार्टी को कश्मीर से चीफ मिनिस्टर बनाने को तैयार थे। अगर वो फैक्ट ना खराब होता सत्यपाल मलिक जी का, जो कि रास्ते में बंद हो गया कि पता लग गया कि दूसरी तरफ से 56 लोगों के दावा आ रहा है, फैक्ट बंद हो गया, तो इनके क्या चेहरे हैं, क्या मापदंड है, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता रवि शर्मा जी ने कहा, लेकिन जो सवाल आपका है उसका उत्तर अभी नहीं मिल सकता है, लेकिन हम बायकॉट पार्टी नहीं है। लेकिन मैं वापस अश्विनी कुमार जी आपके पास मैं आता हूं, एक सकारात्मक समाधान तक इस विमर्श को पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कुल मिलाकर दो साल तक संवादहीनता की स्थिति रही, जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों के तमाम बयान आए पर केंद्र सरकार ने किसी पर कान दिया हो ऐसा महसूस नहीं हुआ। राष्ट्रीय पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद के सम्मान में कितना कुछ भले ही देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा हो, लेकिन कश्मीर के संदर्भ में उनकी किसी बात को लेकर कोई तवज्जो दी गई हो ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब अचानक सबको बुलाया है, इत्मीनान से बुलाया है, और जब वर्चुअल बैठक का दौर है ऐसे में प्रत्यक्ष बातचीत के लिए बुलाया है, और कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आरटीपीसीआर टेस्ट का सर्टिफिकेट के साथ बुलाया है, कोई सरल मामला तो नहीं है। अश्विनी जी थोड़ी दृष्टि तो दीजिए कि आखिर ऐसे समय में जब तमाम बैठकें वर्चुअल तरीके से हो रही हैं, ये कश्मीर के नेताओं के प्रति इतनी मोहब्बत, इतना सम्मान, इतना स्नेह डॉक्टर ताहिर जी की पार्टी के सर्वोच्च नेताओं के द्वारा, क्या कहते हैं अश्विनी जी आप? ये बिल्कुल ताहिर जो ताहिर साहब ने बोला या हमारे नासिर साहब ने बोला जी कि सिलेबस नहीं है, तो बीजेपी प्रवक्ता को तो पता ही है कि सिलेबस क्या है जी। तो पीडीपी वाले और मेरे भाई रविंदर जी बोल रहे हैं सिलेबस नहीं है और वहां पर पेपर देने क्या जाएं जी। वो बिल्कुल साफ है कि सरकार ने एक मंशा बना ली है कि चुनाव होने वाले हैं जी, और अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन का काम शुरू हो चुका है जी, और कुछ ही महीने में, एक या दो महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा जी, और कॉन्स्टिट्यूंसी को ब्रेक करके कुछ ऐड की जाएंगी, कुछ आगे पीछे की जाएंगी और कुछ रिजर्वेशन भी चले जाएंगी, और सब पार्टीज को ये बोल दिया जाएगा कि इलेक्शन की तैयारी कीजिए, आप डेमोक्रेसी लेके जाइए, 35A और 3370 को साइड पर रखे, बाकी जो इश्यूज आपको लेके जाना है वो लेके जाइए, आप सरकार के खिलाफ बोलिए जो मर्जी बोलिए, बट ये मसला जो है छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप देखिए कि इस वक्त जितने भी अलगाववाद पार्टी, इसमें से कोई भी अलगाववाद पार्टी को नहीं बुलाया गया, ये सारी जो है मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, चाहे वो अल्ताफ बुखारी हैं, उनका भी अलायंस है, वो बी पार्टी बोला जाता है कश्मीर में कि वो बी पार्टी है बीजेपी की जी, चाहे लोन साहब हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हैं, वो भी बीजेपी खाते में, पिछले दफा पीडीपी की सरकार और बीजेपी सरकार में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे जी। तो मुझे लगता है कि चुनाव के लिए सरकार जो है राजी हो चुकी है ग्राउंड रियलिटी देखकर जी, और यूपी के चुनाव के साथ जी, या जो उस वक्त जो मुद्दा है जी, जम्मू कश्मीर में जिस तरह बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री जम्मू से होगा जी, वो भी हिंदू मुख्यमंत्री होगा जी, अगर इस तरह का एक काम शुरू हो जाता है जी, तो यूपी के चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा जी, और वो कार्ड्स लेकर वो पूरे देश में चल सकेगा, और ये तभी होगा मुझे लगता है चुनाव से पहले ही स्टेट हुड दे दिया जाएगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कौन कौन जाता है वहां पर जी, 370 और 35 और स्टेट हुड की बात तो उठेगी वहां पर जी, बट प्राइम मिनिस्टर उनको कहेंगे कि हम एश्योर करेंगे, हम बात करेंगे, और कुछ ही दिनों में जैसे ही डिलिमिटेशन खत्म होता है उसके बाद स्टेट हुड को सरकार देने को तैयार है, और लोगों को यही बोला जाएगा कश्मीर में कि देखो हमने स्टेट हुड वापस ले लिया है, चाहे बातचीत करके हमने कितनी मेहनत की है वहां पर, अब स्टेट हुड तो मिल गया, अब 370 भी लेंगे और 35 भी लेंगे, चलो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो जी। ये मुद्दे मार्केट में जाएंगे जो मेरा तो अश्विनी जी अब इस नतीजे पहुंचे हैं, पिछली बार अश्विनी जी का यह था कि ये नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन अब अश्विनी जी भी इस नतीजे पहुंचे हैं कि थोड़ा बहुत कुछ ठोस भी होगा, और वो जो ठोस होगा वो है चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के संदर्भ में। तो मैं वापस शेख साहब आपके पास मैं आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आपको नीति के चंगुल में ये आपकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो फंसती जा रही हैं,
जो जिला विकास परिषद का चुनाव हुए थे उसको लेकर भाजपा को आप जो भी टिप्पणी दें, पर आंकड़े ये बताते हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा राजनीतिक दल अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी 74 सीटें जिला विकास परिषद के चुनावों के अंदर आई। उसके मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस 65 सीटों पर सिमट गई, जिसने न जाने कितने वर्षों तक राज किया था। पीडीपी की भी बात करें तो वो केवल 26 सीटों पर रह गई। अब जो अश्विनी जी ने दृष्टि दी है कि चुनाव कराने के सिलसिले में आएंगे, आपको नहीं लगता है कि आपको कुछ अपनी रणनीति बदलने की दिशा में जाना चाहिए? अन्यथा धारा 370 और 35A का आप राग अलापते रह जाएंगे। और भाजपा जो विकास परिषद के चुनावों में कर गई और राज्य विधानसभा में भी कुछ ऐसे ही खेल कर जाएगी, क्या सोचते हैं आप भाजपा की रणनीति का मुकाबला करने के लिए, अपनी रणनीति को लेकर? हिमांशु जी, मैं ये बात नहीं मानता, बल्कि मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और मरकजी सरकार कहीं ना कहीं जो क्षेत्र राजनीतिक दल है उनके सामने सरेंडर कर रही है जी। जिनको वो गुप्कार गैंग कह रही थी, आज उन्हें जाकर के वो आमंत्रण दे रही है। जहां तक डीडीसी की बात है, डीडीसी चुनाव में आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो दो प्रोविंसेस हैं, दो रीजन है, जम्मू और कश्मीर जी। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के पास डीडीसी की कितनी सीटें आई है वो उनसे जरा पूछिए। और जो आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने और कांग्रेस ने अलायंस में चुनाव लड़े थे, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलग सीटें, पीडीपी की अलग सीटें मत गिनिए। आप ये देखिए कि पीडीपी ने अगर 40 सीटों पर कंटेस्ट किया था तो 40 में से 26 सीटें जीते, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 280 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और उनमें से 70 उनको मिले जी। ये चीजें जो है ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही थी कि आज अगले चुनाव में हम कश्मीर से भी सीटें लेकर के आएंगे, डीडीसी में उनका पत्ता वहां से साफ हो गया। और अब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जो एक लॉलीपॉप हमने लोगों को दिया था 370 हटा के हम बड़ा कुछ विकास करने वाले हैं, वो उनसे नहीं हो पाया। अब भारतीय जनता पार्टी फेस सेविंग के लिए ये चर्चा, ये बैठक, ये सब कुछ बुला करके आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये बताने की कोशिश तो सामने सामने जाके नहीं करेंगे कि हमने जो किया वो गलत था, लेकिन एक परसेप्शन लोगों में बनाने की कोशिश करेंगे कि हाँ हमने जो किया था वो ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी आज ये मान चुकी है कि जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ किया था वो गलत था, और जिन लोगों को अंदर रख करके वो ये फैसला लेने वाले थे या फैसला लिया था, जिनको गुप्कार गैंग या जिनको अलगाववाद या जिनको पाकिस्तान के साथ जोड़ रहे थे, आज उनको बुला करके मेरा आखिरी सवाल है आपसे इस पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत, आपके अनुसार ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का सरेंडर है क्षेत्रीय पार्टियों के सामने, तो ये जो आत्मसमर्पण किया है केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने, तो इसका आनंद लेने के लिए, इसका साक्षी बनने के लिए, इसका अनुभव लेने के लिए आपकी नेता महबूबा मुफ्ती दिल्ली जाएंगी या नहीं जाएंगी? सरेंडर कर दिया है केंद्र सरकार ने, आपका स्वयं का दावा है, महबूबा मुफ्ती को सरेंडर स्वीकार नहीं, इसलिए कश्मीर में रहेंगी या दिल्ली में जाते हुए हम लोग देखेंगे? जमहूरी निजाम में पार्टी हमेशा सोच विचार के बाद एक फैसला लेती है। यहाँ लोगों को नजरबंद रखकर फैसला लेना डेमोक्रेसी नहीं होता। जब नौता आया उसके बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग कमिटी हमारी पार्टी में, उनसे बैठक की और उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती साहिबा जो डिसीजन लेंगी उन्हें पूरा इख्तियार दिया गया। लेकिन क्योंकि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज की डेट में गुप्कार अलायंस का हिस्सा है, पीएजीडी का हिस्सा है, लिहाजा अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पीएजीडी की कल मीटिंग हुई, पीएजीडी की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि क्या प्रधानमंत्री की बैठक में शामिल होना है या नहीं होना है, और क्या हर पार्टी इंडिविजुअल तौर पर वहां पर जाके शामिल होगी या गुप्कार अलायंस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस बाकी दलों को इकट्ठा रिप्रेजेंट करेंगे, और चार्टर डिमांड हमारा क्या होगा, फैसला कल के संदर्भ में होगा। हम बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। रविंद्र शर्मा जी का मानना है कि कुल मिलाकर देर से ही लेकिन बातचीत शुरू हुई है, हम हमेशा बातचीत के पक्षधर हैं इसलिए स्वागत करते हैं। शेख नाजुर हुसैन साहब, बातचीत का स्वागत तो करते हैं पर मानते हैं कि कुल मिलाकर केंद्र सरकार की विफलता, केंद्र सरकार के फैसले की विफलता इस बातचीत का न्योता है। डॉक्टर ताहिर चौधरी इस नजरिए के साथ है कि हम लोग हमेशा ही अच्छा सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं, और एक और अच्छा कदम हमने इस बातचीत के न्योते के रूप में उठाया है। अश्विनी कुमार जी की अपनी दृष्टि, उनका मानना है कि कुल मिलाकर तमाशा है, ठीक से देखा जाए, लेकिन जो कुछ भी है 24 तारीख जम्मू कश्मीर के संदर्भ में नहीं देश के संदर्भ में भी बड़े महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर इस देश के हृदय से जुड़ा हुआ विषय है और वहां के संदर्भ में एक बार फिर मुख्य धारा में लोगों को लाने की कोशिश इस बातचीत के माध्यम से है।
उम्मीद करनी चाहिए ये कोशिश विफल नहीं होगी, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से चाहे जम्मू कश्मीर के तमाम राजनीतिक दलों की ओर से। कोशिश होनी चाहिए एक सार्थक माहौल बने, सार्थक संवाद हो और लोकतंत्र के प्रति जो आस्था हम विभिन्न मंचों से व्यक्त करते हैं वो व्यवहार में होते हुए भी देखें। इस उम्मीद के साथ एक गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित है। हर मसले के संदर्भ में उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, तो उसको एक शायर ने बड़े ही खास तरीके से व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बाद में मुझसे न कहना घर पलटना ठीक है, बाद में मुझसे न कहना घर पलटना ठीक है, वैसे सुनने में यही आया है कि रास्ता ठीक है। शाख से पत्ता गिरे, बारिश रुके, बादल छटे। शाख से पत्ता गिरे, बारिश रुके, बादल छटेगे। मैं ही तो सब कुछ गलत करता हूं, अच्छा ठीक है। तहजीब हाफी ने जो ये कहा था वो देश का मुखिया के संदर्भ में अमूमन हमेशा ही सटीक बैठता है। अच्छा हो या बुरा, कुल मिलाकर उन्हीं के हिस्से में आता है, तो कुल मिलाकर कश्मीर के संदर्भ में आने वाला समय ही बताएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कुछ भी हुआ वो ठीक है या गलत। पर कामना यही कि जो कुछ भी हो अच्छा हो, ठीक हो। इस आशा के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादर प्रणाम।